36 दिन बाद अब हमारे काजू की जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी है। इस बार काफ़ी लंबी सर्दियां पड़ी जिसकी वजह से हमारे काजू की जर्मिनेशन में काफ़ी दिक्कत आई और ये लेट से जर्मिनेट हुआ। अगर यही हम मार्च और अप्रैल में अगर इसकी जर्मिनेशन करवाते हैं तो ये जल्दी जर्मिनेट होता। मैं आपको इसे करीब से दिखाता हूँ, ये देखिए। ये काजू का सीड था जो अब फट चुका है, फट के इसकी जो रूट्स है वो नीचे चली गई है और ये अब अपनी लीव्स निकालने ही वाला है। इस बार काफी धुंध पड़ी, बरसातें हुई, इसकी वजह से ये लेट जर्मिनेट हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा प्लांट जर्मिनेट तो हुआ। और ये सेकेंड वाला, ये भी जर्मिनेट हो रहा है, आप देख सकते हैं। इसी तरह से ये भी जर्मिनेट हो रहा है। इस वाले पॉट में भी ये जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हमारे पांचवें पॉट के अंदर अभी तक कोई जर्मिनेशन हमें दिख नहीं रही। तो देखते हैं ये कब तक जर्मिनेट होते हैं, आप मेरे साथ बने रहिए। उनचालीस दिन बाद अब हमारे काजू के सीड्स ग्रो हो चुके हैं, ये आप देखिए। ये काजू का सीड्स हमने लगाया था, इसके बीच में से ये स्टेम ऊपर आई है और इसने चार लीफ ग्रो की है। और सेकंड वाले सीड्स में इसकी भी जर्मिनेशन हो चुकी है। ये वाले सीड ग्रो होने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप देखिए ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है। ये एक दो दिन में इनकी तरह जर्मिनेट हो जाएंगे, तो देखते हैं ये कब उगते हैं। पैंतालीस दिन बाद अब हमारे काजू के सभी सीड्स ग्रो हो चुके हैं। हमारे काजू के कुछ सीड्स जल्दी जर्मिनेट हुए और कुछ लेट जर्मिनेट हुए। ये जो काजू के सीड्स हैं ये एक दो दिन में यहाँ बीच में से बाहर निकल जाएंगी इसकी लीव्स, और बाकी के हमारे ये तीनों जर्मिनेट हो चुके हैं। सबसे पहले ये जर्मिनेट हुआ, इसने चार लीफ निकाली है और एक छोटा सा शूट्स बीच में से निकल रहा है, और हमारे पांचों के पांचों सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं। उसके बाद में ये जर्मिनेट हुआ और थर्ड नंबर पर ये जर्मिनेट हुआ। आपको ये काजू की जर्मिनेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखें। थैंक यू।